बच्चों नमस्कार, मैं शिरीषा। बच्चों, इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श के पाठ रहीम के दोहे, जो काव्य खंड से संकलित है, का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। चूँकि मैं पिछले वीडियो में रहीम के दोहे का पार्ट 1 अर्थात उसमें का 6 दोहा मैं पढ़ा चुका हूँ और साथ साथ कवि परिचय सब कुछ शब्दार्थ वगैरह हो चुका है, लेकिन मैं इस वीडियो में आज मैं रहीम के दोहे का बाकी 5 दोहा का अर्थ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और उससे संबंधित पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उस पर भी चर्चा करूंगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। बच्चों, आज हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग यह पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह पढ़ चुके हैं तो इसे पढ़ते हैं। जो दोहा है, रहीम का दोहा है, नाद रिझि तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिझहूँ कछु न देत। बच्चों देखिए, मृग अर्थात हिरण, मृग जो है अच्छे सुरीली आवाज़ जब पहाड़ के कंदराओं में जंगलों में जब अच्छी सुरीली आवाज़ को सुनता है, राग को सुनता है, तो वह अचेत सा हो जाता है। वह चलना फिरना उसमें जो चलने दौड़ने की जो क्षमता होती है वह अपने आप को कम कर देता है और आसानी से शिकार हो जाता है, अर्थात अच्छी सुरीली आवाज़ सुनकर वह अपना जान तक दे देता है। लेकिन रहीम कभी कहते हैं कि लेकिन हम लोग इंसानों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि मधुर बातों को सुनने के बावजूद, सुरली आवाज़ को सुनने के बावजूद कुछ देने से भी इनकार हो जाते हैं, कुछ देते भी नहीं हैं। वे लोग पशु से भी बदतर होते हैं, पशु से भी बेकार होते हैं। बच्चों अगला दोहा है, इसे देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बच्चों यह बिल्कुल सच है। रहीम कभी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाए, मित्रता हो, रिश्तेदारी हो, कभी भी मनमुटाव हो जाए अगर मित्रता में, रिश्तेदारी में, तो कितना हो कोशिश किया जाए, कितना भी क्यों न प्रयास किया जाए, मनमुटाव खत्म नहीं होता है। अर्थात यहाँ रहीम कभी सोच समझकर बात करने की और हर बात को कहने से पहले सोचने की नसीहत देते हुए कहते हैं कि जैसे एक बार दूध फट जाए तो उसमें कितना भी प्रयास किया जाए, कितना ही मथा जाए, उसमें से माखन नहीं निकलता है। अतः एक बार अगर मनमुटाव हो जाए, बात बिगड़ जाए, तो कितना भी कोशिश किया जाए बात बनता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला दोहा। बच्चों यह दोहा है, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करे तरवारी। रहीम कभी कहते हैं कि बड़े चीज़ों को देखकर छोटे चीज़ों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। समाज में भी वैसा ही है, अगर बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों को देखकर छोटे छोटे जो मजदूर वर्ग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक व्यक्ति का महत्व अपनी जगह पर अलग अलग होता है। जैसे अगर जहाँ काम सुई का होता है, वह कार्य सुई ही संपन्न करता है,
वहाँ तलवार कोई काम नहीं कर सकता, तलवार काम नहीं आ सकता। अर्थात बड़े चीज़ों को देखकर छोटे चीज़ों की अवहेलना या उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। बच्चों, यह अगला दुआ है। यह रहीमा निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बीनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रवि का मतलब होता है बच्चों सूरज। रहीमा निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, अर्थात रहीम कभी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है या संपत्ति की जरूरत पड़ती है, रुपये पैसे की जरूरत होती है, तो उसका जो निजी संपत्ति है, जो निजी अपना जो पूर्वजों का या निजी अपना संपत्ति कमाया हुआ धन है, वही काम आता है। लाख कोई उसका मित्र दोस्त या रिश्तेदार उसको सहायता करें, वह उतना कारगर नहीं होता है जितना उसका अपना निजी संपत्ति जो है सहायता में काम आता है। जैसे लिखा भी गया है, यहाँ लिखे हैं रहीम कवि कि बीनु पानी ज्यों जलज को रवि सके नहीं रवि सके बचाए, यानी कि अगर जलज, जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला पेड़ पौधा, जलज का मतलब होता है, हालांकि जलज कमल को भी कहते हैं। अगर जल में उत्पन्न होने वाला पौधा, पेड़ पौधा अर्थात कमल को अगर जल सहारा न दें, अगर जल उसको धूप ताप से न बचाए, तो सूरज उसको बचाने के लिए लाख कोशिश करें वह नहीं बच सकता, यानी सूरज नहीं बचा सकता है। जब ही बचाएगा उसे तो उसका जल ही बचाएगा, समझ में आया। अर्थात मैंने इस दोहे का अर्थ है कि विपत्ति आने पर अपना ही संपत्ति, अपना ही कमाया हुआ धन काम आता है, दूसरों के सहायता से काम नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, आखिरी दोहा है रहीम कवि का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बच्चों, रहीम कवि कहते हैं कि पानी, पानी को बरकरार रखना चाहिए। अर्थात यहाँ पानी का अलग अलग अर्थ है, यह एक अलंकार है। जैसे पानी गए न उबरे, अगर एक बार पानी चला जाता है, पानी का मतलब प्रतिष्ठा, एक चमक, यानी एक बार पानी चला जाता है तो निम्न चीज़ों का, निम्न व्यक्तियों का जो है प्रतिष्ठा कीमत खत्म हो जाती है, मूल्य नहीं होता है। जैसे मोती, मोती के पानी का तात्पर्य है उसका चमक, मनुष्य के पानी का तात्पर्य है उसका प्रतिष्ठा, और चूना का पानी का तात्पर्य है उसका नमी। यानी कि चूने का पानी अर्थात नमी चला जाने पर, मनुष्य का पानी अर्थात उसका प्रतिष्ठा चले जाने पर, और मोती का पानी अर्थात उसके चमक जाने चले जाने पर उसका कीमत खत्म हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि रहीमन, रहीम कवि कहते हैं कि पानी को, यानी कि पानी का अर्थ चमक, प्रतिष्ठा और नमी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। एक बार अगर प्रतिष्ठा चली जाए तो इंसान का कोई कीमत नहीं रहता है, समाज के नज़रों से गिर जाता है, समाज में उसका कोई स्थान ही नहीं रहता है। ठीक है तो बच्चों, आप, मुझे आशा है कि मैं जो दोहा का अर्थ बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अपनी भाषा में इसे पढ़ पढ़ कर लिख सकते हैं और याद भी करेंगे इसे। अब मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देखिए और उसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि विद्यालय खुलने के बाद मैं उसे चेक करूँगा और सुनूँगा भी, इसलिए याद भी करना है बीच बीच में। बच्चों, यहाँ पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर है। जैसे प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता, उसका जवाब यहाँ दिया हुआ है। फिर यह प्रश्न है, उसका जवाब यहाँ है, इसको आप ध्यान से देखिए। फिर यहाँ प्रश्न है,
अगला प्रश्न यह भी है, इस वीडियो को रोक रोक कर इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो मैं फेर का कॉपी चेक करूँगा और सुनूँगा भी, और जब टेस्ट होगा, जांच परीक्षा होगी, तो इस वीडियो से संबंधित जो व्याकरण पढ़ाया जा रहा है या जो प्रश्न उत्तर दिया जा रहा है उसी से प्रश्न मैं पूछूंगा। आप लोग इसके लिए तैयारी कीजिए, तैयार होइए। यह प्रश्न उत्तर है, फिर यह भी है, भाव स्पष्ट करना है, जो दोहा में मैं बताया वही चीज़ है, ठीक है। अब इसे अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। अब मैं अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर यानी गद्य खंड से लेकर आऊँगा या उससे संबंधित जो व्याकरण है उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।